नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजापुर की, जहां बड़ी नक्सली वारदात नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों को 5 किलो का आईईडी बम मिला। सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी बम बरामद किया है। जवानों ने मौके पर ही आईईडी बम को निष्क्रिय कर दिया। बीती रात नक्सलियों ने बस में आगजनी की थी। घटना स्थल से 20 मीटर दूर आईईडी बम मिला। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से घटना टली है। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पर नक्सली वारदात नाकाम हुई। एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। सुरक्षा बलों को 5 किलो का आईईडी बम मिला। जवानों ने मौके पर ही आईईडी बम को निष्क्रिय कर दिया। बीती रात ही आपको याद होगा नक्सलियों ने बस में आगजनी की थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे दंतेवाड़ा संवाददाता दिनेश गुप्ता, जुड़े हुए हैं फोन पर। दिनेश, एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जी, मैं आपको बता दूं कि आज तड़के से ही नक्सलियों ने चारों दिशाओं में तांडव मचाना शुरू किया था। चाहे बीजापुर की बात करें, चाहे जगदलपुर के सरहदी क्षेत्र दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा की बात करें, तो आसपास के इलाकों में नक्सलियों ने लगातार अपने मूवमेंट को जारी रखा है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं बीजापुर में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी को जवानों की सूझबूझ से उसे विफल कर दिया गया है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नक्सली आज भारत बंद का आह्वान किए थे और सुबह से ही अपना तांडव जारी रखे हैं। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। एक तस्वीर है और एक आज की तस्वीर। कल नक्सलियों ने आगजनी की थी, बस में आग लगाई थी और इसी घटना स्थल से 20 मीटर की दूरी पर आईईडी बम मिला, जो आज की घटना है। कल जो घटना हुई थी उसी घटना स्थल से 20 मीटर की दूरी पर आज आईईडी बम सुरक्षा बलों को मिला, जिसे सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बार बार उनके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से, हमारे जवानों की सूझबूझ से कल ही नक्सलियों ने आगजनी की थी। पर्चे भी फेंके थे, बैनर पोस्टर लगाए थे और बीजेपी नेता की हत्या होने की जिम्मेदारी ली थी। और उसी घटनास्थल से 20 मीटर की दूरी पर आज आईईडी बम मिला है। सुरक्षा बलों को 5 किलो का आईईडी बम मिला, उसे जवानों ने मौके पर पहुंचकर निष्क्रिय कर दिया। बीजापुर से खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर है इस मुठभेड़ में। आईडी ब्लास्ट में डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है। बीजापुर लाया जा रहा है घायल जवान। पोटेनार के जंगलों में मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच में। 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर है इस मुठभेड़ में। आईडी ब्लास्ट में डीआरजी का एक जवान घायल हो गया है और घायल जवान को बीजापुर लाया गया है उपचार के लिए। पोटेनार के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीजापुर से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर है और आईडी ब्लास्ट भी हुआ था। आईडी ब्लास्ट में डीआरजी का एक जवान घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए बीजापुर लाया जा रहा है। पोटेनार के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बीजापुर में ही आगजनी हुई, फिर आज आईडी बम मिला, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई बीजापुर में ही। 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, बीजापुर की ये तस्वीरें। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। हालांकि जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, उस आईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। जवान को उपचार के लिए बीजापुर लाया गया है, जहां अस्पताल में जवान का इलाज चल रहा है। पोटेनार के जंगलों में मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच।
आज ही आईडी बम मिला था जवानों को, 5 किलो का आईडी बम जवानों ने बरामद किया, जिसे जवानों ने मौके पर ही पहुंचकर निष्क्रिय कर दिया और मुठभेड़ भी लगातार होती रही पुलिस और नक्सलियों के बीच। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 दिसंबर को इंदौर आएंगे और इसी दिन हुकुमचंद मिल के मजदूरों को राशि वितरित की जाएगी। राशि वितरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम को शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली में मुलाकात कर आमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार इंदौर में होंगे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक 200 से ज्यादा मंच लगाकर स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। इस दौरान उन्हें मालवी पगड़ी भी पहनाई जाएगी और राशि वितरित होगी मजदूरों को। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को राशि वितरित की जाएगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। पहली बार अहिल्या की नगरी हमारे परंपरा है, ऐतिहासिक स्वागत हम ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के करने की तैयारी में लगे। आगामी संगठन की योजनाओं को लेके और मुख्य रूप से 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम नगर आगमन है, तो उसको लेके आज हम लोग बैठे थे। मुख्यमंत्री जी का स्वागत जो इंदौर का एक स्वभाव है, उस स्वभाव अनुरूप होना चाहिए, ऐसा सभी लोगों ने मिलकर तय किया है। तो वहीं देवास जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी का सौदा 50,000 रुपए में कर दिया। खरीदने वाले उससे मजदूरी कराते, मारपीट करते और भूखा रखते थे। इस बर्बरता का खुलासा तब हुआ जब युवती ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लड़की ने वीडियो में कहा कि उसे खरीदने वाले उसे रोज प्रताड़ित कर रहे हैं। ये वीडियो महिला और बाल विकास अधिकारी तक पहुंच गया। उसके बाद अधिकारी ने पुलिस की मदद से युवती को बरामद किया, छुड़वाया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नाबालिग लड़की को फिलहाल बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। और उसने अभी भी यही बताया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं मेरे को यहाँ पर जबरन खाना भी नहीं दे रहे हैं, मारपीट भी करते हैं रोज मेरे साथ में और मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो जिसको जो ये बोल रहे हैं कि हमने सगाई करी है, जो दूसरे लोग हैं जिनने इसको खरीदा है इसको, तो इनको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। आगामी पुलिस की कार्रवाई करेंगे इसमें और जो बालिका इसको CWC में पेश करेंगे, वहाँ से इसको उज्जैन बाल सुधार गृह में भेजा जाए। वहीं रीवा में बीजेपी किसान मोर्चे के नेता पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोल दिया। हमले में वो गंभीर बताए जा रहे हैं और अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है, जहां पर उनकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता अपने घर से क्षेत्र में चल रही संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान रास्ते में 12 की संख्या में बदमाश तलवार हॉकी से लैस होकर पहुंच गए और उन पर हमला बोल दिया। खरगोन जिले के सनावत में निमाल के प्रसिद्ध मेले पिनार पीर शीतला माता में डैंग लूटने की अनूठी परंपरा है। सांप्रदायिक सौहार्द के इस मेले में सरकारी डैंग को लूटने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। गर्मा गर्म गुड़ के चावल की डैंग को लूटने का अलग ही नजारा दिखाई देता है। ये देखिए तस्वीरें। इस दौरान युवा बाल्टी से डैंग लूटते हैं। बड़ी डैंग से चावल लूटने में एक दूसरे के सिर पर बाल्टी भी लगती है। गरम चावल भी उन पर गिर जाते हैं कई बार, लेकिन आस्था के आगे शरीर के घाव और पीड़ा दम तोड़ देती है। डेंग लूटने वाले गर्व से लूटे हुए मीठे चावलों को प्रसाद की तरह लोगों में बांटते हैं। यह 170वां वर्ष है, काफी प्राचीन मेला है। मेला पिरानपीर और शीतला माता मंदिर के नाम से मेला होता है आयोजित। इसमें आज पहले कार्यक्रम के तौर पर सरकारी डेक का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा पिरानपीर टेकरी पर सरकारी डेक का आयोजन करेंगे, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु प्रसाद को लेके और दर्शन को लेके वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। कम से कम 40 साल से कुछ भी नहीं, उनका करामे कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। हाँ,
पाँच पाँच दस दस बाल्टी लूटते हैं। परंपरागत जब से मेला लगता आ रहा है नगर पालिका के द्वारा सरकारी देग के नाम से मशहूर देग है और इसका पूरा खर्च नगर पालिका लगाती है। ये देग करीब एक कुंटल 20 किलो की बनती है जिसमें 10 किलो काजू, 10 किलो बादाम, 10 किलो शुद्ध देसी घी डाला जाता है। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन हो गया है, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी आलाकमान ने कैबिनेट गठन को लेकर हरी झंडी दे दी है। कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सीनियर लीडर से मिलने के बाद संकेत ये मिल रहे हैं। राजभवन को सूचना मिलने का इंतजार। 15 से 18 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है मध्य प्रदेश में। वो कौन कौन से चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। अमित शाह से भी मिले हैं डॉक्टर मोहन यादव। मुलाकात के बाद संकेत मिल रहे हैं कि कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 15 से 18 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। पहली बार के विधायकों को मौका नहीं मिलेगा, सूत्रों के हवाले से खबर है। और तीन बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। कद्दावर नेता मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। दो डिप्टी सीएम भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। खबरें यह हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी आलाकमान से मिल चुकी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दिल्ली में तय हुआ है मंत्रिमंडल का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वो आपको बताते हैं। तीन बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है जातिगत समीकरण पर फोकस है बीजेपी का। तीसरा ये है कि लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर है। तो इन फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। दिल्ली में कैबिनेट का फॉर्मूला तय हो चुका है। तीन बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, पहली बार के विधायक मंत्री नहीं बनेंगे। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव पर भी बीजेपी की नजरें हैं। तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन हो गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जहां नए मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मैं बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की टीम तैयार हो गई है। कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। आलाकमान की मुहर के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में 9 चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जहां सभी नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चलिए आपको विष्णुदेव साय के 9 रत्नों से मिलवाते हैं। विष्णुदेव साय के 9 रत्न: बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयाल दास बघेल, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। विष्णुदेव साय ने हर वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया है। साय कैबिनेट में सामान्य वर्ग से एक मंत्री, ओबीसी से 5 मंत्री हैं, तो वहीं अनुसूचित जाति से 1 और आदिवासी वर्ग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इस बार कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा भी देखने को मिला है। यहां से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। संभागवार मंत्रियों पर नजर डालें तो सरगुजा संभाग से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसमें श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और रामविचार नेताम का नाम शामिल है। रायपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं, इसमें बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा का नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग से ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन को भी मंत्री बनाया गया। दुर्ग संभाग से दयाल दास बघेल और बस्तर संभाग से केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार की टीम तैयार है। नई सरकार पर नई जिम्मेदारियां भी हैं क्योंकि 24 की लड़ाई अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी। लखनलाल देवांगन जी, बड़ा दायित्व तो मिला है, अब कैसे निभाएंगे? बड़ा दायित्व तो मिला है हमारे वरिष्ठ नेताओं की मार्गदर्शन पर। हम छत्तीसगढ़ की समग्र विकास करने की कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं हैं
एक एक व्यक्ति को कैसे पहुंचे इसके लिए प्रयास रहेगा। हमारे मोदी के नाम से गारंटी जो वादा किए हम जनता के बीच में जाकर उस एक एक यादव पर हम खरा उतरे। मोदी की गारंटी जो दी है, आवास आपने दे दिया, धान का भी 25 तारीख को मिलने वाला है, और भी वादे किए हैं, क्या वो पूरे होंगे? सारी वादा पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। अभी 18 लाख आवास की दस्तखत हो गया, कल हमारे सत्र चल रहा था महतारी बंधन, उसका भी आ गया, किसानों को धान खरीदी का है, सारी चीज हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। मंत्री को हराकर आप यहां तक आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी अब आपके पास दायित्व? बाकी वहां की जनता ने जन बल का समर्थन किया, धन बल को ठुकराया और भारी बहुमत के साथ में मुझे वहां से कमल फूल से विजयी बनाया, इसके लिए मैं कोरबा की जनता को धन्यवाद देता हूं। ये थे लखन लाल देवांगन जी, जिन्होंने कहा धन बल और जन बल में जन बल की जीत हुई है। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला। 8 बार के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अब फिर से मंत्री। प्राथमिकताएं हैं और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सबके भविष्य को संवारना और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त कर इतना बम्पर बहुमत दिया उसको पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार को आपने खूब उठाया जब विपक्ष में था, अब क्या कार्रवाई किस तरीके से होगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 साल में विकास जो आपने किए हैं वो इस बार अब किस दिशा में, अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। 15 साल के अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे। सर, संगठन से विभाग या दायित्व को लेकर कुछ चर्चा? देखिए, इस बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे, वो जो निर्णय करेंगे वो हमको सिरोधारी होगा। ये थे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि दायित्व का सफलता से निर्वहन करेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। इंदौर नगर निगम का ऑपरेशन बंबई बाजार में दूसरे दिन भी जारी रहा। नगर निगम की टीम ने बंबई बाजार इलाके के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। दरअसल इंदौर को यातायात में भी नंबर 1 बनाए रखने की कवायद की जा रही है और इसी के चलते नगर निगम की ओर से ये ऑपरेशन बंबई बाजार शुरू किया गया है। नगर निगम की टीम ने पहले लोगों को समझाइश दी, इस दौरान कुछ लोगों ने खुद अपना अतिक्रमण हटा लिया, वहीं कुछ स्थानों पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ढहाया। जल्द ही इंदौर में अवैध चौपाटी पर भी कार्रवाई शुरू हो सकती है।